नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि सेना का एक जवान, एक सेना मिलिट्री पुलिस का जवान ब्रिगेडियर साहब के रैंक तक के अधिकारी को रोक सकता है। क्या ये र्यूमर्स सच हैं या झूठ हैं? क्या फौज, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, क्या सच में सेना मिलिट्री पुलिस के पास इतनी पावर्स हैं कि बड़े अधिकारियों को रोका जा सकता है कैंटोनमेंट में? चलिए समझते हैं वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर से कि आखिर सेना मिलिट्री पुलिस है क्या और क्या है सीएमपी की पावर्स। सर बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये सर। सीएमपी की पावर, अब दिखने में तो ये बहुत छोटी सी कोर लगती है, रादर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो कोर दिखेगी जी वो सीएमपी लगती लोगों को, क्योंकि सिर्फ 9000 सैनिक हैं इसके अंदर, 9000 लोग हैं। तो अब इतना अगर छोटा फॉर्मेशन है तो लोगों को लगता है इनकी पावर बड़ी कम होगी या लिमिटेड होगी जी। बट ये ना, मैं कहता हूँ कि आर्मी की सबसे पावरफुल सर्विसेज में आती है ये सीएमपी। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1939 जी बाय ब्रिटिशर्स जी। और बड़े मजे की बात है सर ये कि जिस जगह आप बैठे हैं इलाहाबाद जी, इसका फॉर्मेशन ही वहीं से हुआ था, इलाहाबाद जी हाँ। इलाहाबाद में एक फोर इन्फेंट्री डिव है जी, फोर इन्फेंट्री डिव से ये रेजिमेंट, पहली रेजिमेंट यहाँ से शुरू की गई थी सीएमपी। हाँ जी, अच्छा। जिसमें कुछ सोल्जर्स, उन्होंने 7th और 11th कैवलरी के बुलाए थे जी, और उसको पहला नाम दिया था फोर्स फोर प्रोवोस्ट यूनिट, अच्छा, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में गई थी जी। और उसके बाद इसको दोबारा नाम दिया गया, फिर ये जब ऑर्गेनाइज्ड हो गई जी तो फिर इसे दिया गया कोर ऑफ इंडियन मिलिट्री पुलिस, अच्छा। और आजादी के बाद 18 अक्टूबर 1947 को ये नए नाम से आई, दैट इज कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, है ना। तो इसलिए आजकल ये लोग जो है 18 अक्टूबर को अपना रेजिंग डे मनाते हैं ये, अच्छा। और इलाहाबाद से स्टार्ट, इलाहाबाद से स्टार्ट हुई थी सर ये। पावर, क्या मोटिव क्या थी, क्या पावर्स थी? देखिए, जब भी आप लड़ाई में जाएंगे ना सर, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है मोबिलाइजेशन के, एक फॉर्मेशन, एक यूनिट को जब आप मोबिलाइज करते हैं तो वो सही क्रम में, सही तरीके से चले, सही जगह सही समय से पहुंच जाएं और अपने एक्शन प्लान को वो सही से कारगर कर पाए, इसके लिए सीएमपी, उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है सीएमपी का, क्योंकि कॉन्वॉय रूट तय करना, किस रास्ते से जाएंगे, क्या होगा, और उस पूरी कॉन्वॉय के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखना, ये सीएमपी की जवाबदारी होती है। अच्छा, फिर लड़ाई अगर है आपकी तो अपार्ट फ्रॉम दैट मोबिलाइजेशन, आपको ये भी देखना है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जी, उनका क्या होगा, जो कैदी पकड़े जाते हैं उनको कौन देखेगा, सीएमपी, है ना। फिर उस समय जो रिफ्यूजीज आएंगे उनको कौन देखेगा, सीएमपी। एवरीवेयर यू विल फाइंड अ रोल ऑफ सीएमपी देयर। अभी क्योंकि पीस टाइम में हम देखें तो इनका रोल होता है कैंटोनमेंट एरिया में, जो गाड़ियां चला रहे हैं, या डिसिप्लिन है, जो देखिए आप कैंटोनमेंट एरिया का डिसिप्लिन बाकी सब जगह से बहुत अलग पाएंगे जी, उसकी बेस्ता है सीएमपी के अंदर। सर, एक कैंटोनमेंट में एक आतंकवादी हमला हो जाता है, जैसे एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ था कुछ साल पहले, तो क्या सबसे पहले एक्शन पे सीएमपी आएगी? जी हाँ, आप अगर जहाँ ये हमला हुआ था पठानकोट में जी, अगर पठानकोट के आप गेट पे जाके देखेंगे तो एयरफोर्स पुलिस पहले खड़ी हुई है, वो हमेशा वहां तैनात है। आप किसी भी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में जाएंगे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर चले जाइए, बिब हेडक्वार्टर चले जाइए, गेट पे सबसे पहले कौन मिलेगा, सीएमपी। ठीक है, पहचान ही वही है, लाल टोपी, सफेद डोरी, सफेद बेल्ट, जहां दिखी फौज में अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा डरते हैं उनसे जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो ड्राइवर चाहे सीओ साहब का भी ड्राइवर हो, सीएमपी का बंदा अगर उसे दिख गया तो वो अपने कायदे कानून में आ जाता है, क्योंकि उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है वो चेक करने की। ऑफिसर्स को भी चेक कर सकते? जी बिल्कुल, चेक कर सकते। मान लीजिए कोई ऑफिसर विद इन द कैंट सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, बिल्कुल, तो सीएमपी हैज द पावर टू बिल्कुल पेनलाइज देम, बिल्कुल बिल्कुल रोकेंगे और उनकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी उनके कमांडिंग ऑफिसर के पास कि ये ऑफिसर या ये सोल्जर व्हाटएवर
कुछ भी अगर दिख रहा है वो डायरेक्ट पनिश नहीं करते आपको, आपके पेपर्स ले लेंगे, आपके एक फॉर्म है वो भर दिया उन्होंने और वो आपकी रेजिमेंट में पहुंच जाएगा, उतना पर्याप्त है, बाकी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को करने के लिए फिर वो आगे असिस्ट भी करेंगे। क्या सर सीएमपी का एक रसीद काटना या एक आपने कहा पेपर फिलअप करना, ये एसीआर ऑफिसर्स की अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस करता है, कई बार करता है। अच्छा, कई बार करता, कई बार करता है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया है और वो तभी आपको परेशान करते हैं, अदरवाइज वो रिस्पेक्ट देते हैं आपको। देखिए उनका पीस टाइम में क्या काम है, कैंटोनमेंट एरिया में डिसिप्लिन ठीक रहे, यातायात ठीक रहे, प्लस जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं कैंटोनमेंट एरिया में रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो क्लोज सिक्योरिटी है वो सीएमपी के पास रहती है। अच्छा, कमांडर्स लेवल जितने भी हैं जी, मिनिमम डिव कमांडर जी, डिव कमांडर, कोर कमांडर, या जो आपके आर्मी कमांडर्स होते हैं सीएनसीज, या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब इनका काफिला निकलेगा तो सबसे आगे उनकी गाड़ी होगी, पायलट वो ड्यूटी देना। तो ये चीजें तो उनकी हमको उनकी वो ड्यूटीज जो हमको दिखाई देती हैं, बट ऑपरेशनल इलाके में ड्यूटीज नहीं दिखाई देती हैं। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, अगर मान लीजिए डिव एक्सरसाइज है, तो डिव एक्सरसाइज में पूरा डिप्लॉयमेंट सीएमपी तय करती है कि किस तरीके से ये मोबिलाइज होंगे। अच्छा, मतलब दे आर द हिडन वॉरियर्स कह सकते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल उस चीज को वहां तक पहुंचाना है, कैसे ले जाएंगे, क्या प्लान होगा एक कॉन्वॉय के लिए, कौन सी रेजिमेंट कहाँ कैसे पहुंचेगी, वो सब चीजें सीएमपी के पास होती है। इवन उनका जो लोकल, जो आपका अगर मान लीजिए वॉर टाइम में है, जिस जगह जाएंगे उस जगह के लोकल एक्सचेंज के ऊपर जो अथॉरिटी होगी वो सीएमपी की होगी। ओके 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 सर, क्या सीएमपी की ड्यूटी इज कन्फाइंड टू आर्मी ओनली, वायुसेना नौसेना की कोई अपनी सीएमपी अलग होगी या नहीं? यही सीएमपी, मिलिट्री प्लस सबकी अलग अलग होती है, बट जो आर्मी की मिलिट्री प्लस है जी, ये थोड़ा ऊपर मानी जाती है। और इनका काम क्या है, इनका काम है लोकल पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना तरीके से जी। सीएमपी लोकल पुलिस के हमेशा कॉन्टैक्ट में रहती है, एयरफोर्स और नेवी पुलिस के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहना होता है। अच्छा, क्योंकि प्रोबेबली सर आर्मी की यूनिट हर जगह उपलब्ध है जी, तो शायद सीएमपी का रोल अपने आप ब्रॉड हो जाता, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। सर कोई लीगल गतिविधि होती है विद इन द कैंट, इलीगल इलीगल गतिविधि जिसमें कुछ क्राइम इन्वॉल्व है, जिसमें कोई ऑफिसर ने कुछ गलतियां कर दी या कुछ जवानों ने कुछ गलतियां कर दी, उस केस में सीएमपी एक्शन लेगा और सीएमपी पुलिस को हैंडओवर करेगा? जी हाँ बिल्कुल, ये सीएमपी की जवाबदारी बनती है। आपके यहाँ कुछ भी हो गया कैंटोनमेंट एरिया में, अगर मान लीजिए कोई वारदात हो जाती है, सबसे पहले सीएमपी पहुंचेगी। सुसाइडल केस भी है तो सबसे पहले सीएमपी पहुंचेगी। अच्छा, सीएमपी का मौजूद होना वहां बहुत जरूरी है, और सीएमपी ही ये चीजें तय करके उसकी जो कागजी कार्रवाई होगी वो सीएमपी करेगी उस वारदात की। उस केस में जो एफआईआर लिखी जाएगी वो सीएमपी के पास लिखी जाएगी? नहीं, सीएमपी, और फिर वो कैसी वारदात है, अगर ये बाहर केस जाना है, सिविल में केस जाएगा, तो उसको सीएमपी हैंडओवर करेगी पुलिस को। पुलिस को अगर वो विद इन द कैंट है तो सीएमपी ही सॉल्व करेगी उसे। अगर आर्मी में सॉल्व होने लायक केस है जी, दो तरीके हैं ना सर। एक केस वो है जिसकी सुनवाई कमांडिंग ऑफिसर ने करनी चाहिए, वो कमांडिंग ऑफिसर को वो कागज पकड़ा देंगे कि हाँ जी ये आपके जवान ने किया है या ये आपके रेजिमेंट से हुआ है, इसके लिए आप देखें आप जवाबदार हैं, तो वो तो उसको वहां असिस्ट करेंगे और वो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर ही रह गया। एक दूसरी चीज है जो मान लीजिए क्राइम ऐसा है कि जिसके लिए सिविल पुलिस का इन्वॉल्व होना जरूरी है इसके जी, तो फिर सीएमपी कागजी कार्रवाई करेगी प्लस हैंडओवर करेगी सिविल पुलिस को, और सिविल पुलिस की पूरी कार्रवाई में असिस्ट करेगी, उस कार्रवाई को पूरा कर देगी। सीएमपी एज अ यूनिट में ऑफिसर्स भी डिप्लॉयड होते हैं? जी हाँ, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं इनके भी, सीएमपी के भी? जी हाँ, सीओ साहब होंगे और एक से दो ऑफिसर, ज्यादा ऑफिसर्स नहीं होते इनमें, तो एक से दो ऑफिसर्स, और प्लस इनका जो मेजर रोल आ जाता है वो जेसीओ के ऊपर आ जाता है। क्या ये जो ऑफिसर्स हैं अपने इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर्स जो फेलो ब्रदर्स हैं उनसे ऊपर माने जाते हैं?
नहीं ऊपर नहीं माने जाते हैं, ये देखिए हर जगह है, देर आर वेरियस स्कोप्स लाइक MI मिलिट्री इंटेलिजेंस जी, CMP, तो MI का एक कर्नल साहब अगर बैठे हैं जी तो ठीक है, हम आर्मी क्वार्टर्स में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, आमने सामने रह रहे हैं, वो अलग बात है, बट मिलिट्री पुलिस के जो या मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो कर्नल साहब है उनसे थोड़ा सा लोग औहदा ऊपर होगा, सावधान रहते हैं, औहदा तो नहीं ऊपर हुआ मगर सावधान रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा ही CMP के, अब भाई देखिए अगर कर्नल साहब हैं शाम को मेस में मुलाकात होगी सब कुछ ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह है, बट फौज में एक चीज बड़ी अच्छी है सर कि ड्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और आज तक कभी किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया जी कि वी आर ब्रदर्स, बट अगर कोई नौबत है और देयर इज समथिंग डन रॉन्ग बाय एनीवन एल्स सो यू आर देयर टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू टेक, वो अलग चीज हो गई। थैंक यू सर, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपने बताए, तो बड़े दिन बाद ऑफ दी SSB आपने कुछ बताया वरना जनरली एस्पिरेंट्स GTO एक्सपर्ट SK सिंह सर इज नोन फॉर SSB क्लासेस, सर की आइडेंटिटी है सिविल में, फौज के बाद वो एज GTO एक्सपर्ट है। तो आपने सुना अभी कि आखिर CMP होती क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, कहीं ना कहीं CMP एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक अफसर हर एक जवान बड़ा कॉशियस रहता है, और कहते हैं ना कि फियर इज़ अ प्रोडक्टिव टूल, शायद यही रीज़न है कि आज कैंट्स में इतनी ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है, यहाँ तक कि बॉर्डर एरियाज में भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ CMP। थैंक यू, जय हिंद। जहाँ बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।